वेलकम फ्रेंड्स टू योर ओन यूट्यूब चैनल गूगल क्लासेस। जैसे आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ क्लास का पेपर, आज तो रीजनिंग वाला सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आप खुद से स्टेटमेंट पढ़ना, मैं हिंदी में इसका सार बता देता हूँ क्योंकि मैंने एक बार रीड कर लिया पेपर को, सो आपका टाइम सेव हो जाए। उसके लिए मैं जस्ट आपको जो क्रक्स है क्वेश्चन का वो बता दूंगा। डायग्राम में ही सब क्लियर है कॉन्सेप्ट, और बस ये देखो पूछा गया है हमें, ये पूछा है विच लेटर रिप्रेजेंट दोज कैंडिडेट हु आर एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स बट आर नाइदर ग्रेजुएट नो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिस। ओके, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। सो एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे, ये रीजन जो है ये एजुकेटेड शो कर रहा है, ए के साथ अब इसके पार्ट है बाकी डी सी भी, पर केवल अगर हम बोले जो एजुकेटेड है और बाकी कोई भी बाउंडेशन नहीं है उनके ऊपर, केवल ए रीजन है। रेगुलेशन रूल रेगुलेशन नहीं पता हो, ग्रेजुएट ना हो, तो केवल एक रीजन है ए रीजन, बस ये मतलब क्लियर है। यहाँ से देखने से पता चलता है कुछ आने वाला इसमें है नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था, अनीता राइड्स स्कूटर 7 माइल साउथ, 7 माइल गई साउथ की डायरेक्शन में, तो मुझे रफ स्केच बना था यहाँ पे साउथ साउथ नीचे, ठीक है यहाँ पे। देन शी पिक्स अप हर फ्रेंड टर्न्स राइट, राइट मुड़ती है यहाँ से, मतलब आप अपने आप को रख के देखो इसकी जगह पे, तो राइट इस तरफ आएगा और राइट में ट्रेवल करती है 3 माइल्स, सो ये 3 है सपोज। शी देन टेक्स अनदर राइट, अगेन राइट मतलब यहाँ ऊपर जाएगी, कितना चलती है, टेक्स 15 माइल्स मोर, 15 माइल ऊपर जाती है, 15 मतलब ये 7 तो होके जाएगी और एक्स्ट्रा कितना जाएगी इसके लेवल से, एक्स्ट्रा 8 ऊपर चली गई। देन ड्रॉप्स हर फ्रेंड देयर, 15 माइल ऊपर को जाकर के फ्रेंड को ड्रॉप कर दिया, ये 7 और 8 टोटल 15 हो गया। फिर टर्न राइट, फिर से राइट मुड़ गई तो 11 माइल आगे चली गई, राइट मुड़ेगी मतलब इधर जाएगी, 11 माइल आगे जाना मतलब इसके लेवल पे जो है ये 3 तो जाएगी जाएगी इसके आगे, 8 और जाएगी, 8 3 11, ठीक है तो इधर चली गई इस डायरेक्शन में। पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज हर होम फ्रॉम द ऑफिस, तो यहाँ स्टार्टिंग में ये जो था ऑफिस था, ठीक, और ये यहाँ लास्ट में होम है, तो ऑफिस की तुलना में होम किस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन बनी है, नॉर्थ, और वो भी ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट, ये डी पॉइंट। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल मेक द सेकेंड पेयर एनालॉगस टू द फर्स्ट पेयर, ग्रास कहाँ होता है बोला गया, लॉन में होता है, क्रॉप कहाँ होती है, फील्ड में होती है, करके दिखाया था आपको, ऐसे लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन को लेकर के है कुछ, पी स्टार क्यू मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू, इसके ऊपर मैं लास्ट में आता हूँ क्योंकि काफी डाटा है उसको डायग्राम वगैरह बनाना, उसमें में तो काफी क्वेश्चन और हो जाएंगे। सो 25th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज, कौन सा नंबर है जो नेक्स्ट आना चाहिए सीरीज, 2 देन 6 2 3 6 7, 2 + 1 3, 3 + 3 6, फिर 1 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, इस तरह से पैटर्न चल रहा है, फिर 1 ऐड किया, 3 1 3, अब क्या ऐड करने की बारी है, 1 तो मतलब 23 आएगा आंसर, डी रहेगा। ओके समझ आया, डी विल बी द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ कोड दे रखे हैं आपको और बोला कि नॉलेज के लिए कोड बनाओ, तो नॉलेज के लिए कोड मतलब KNOWLE, आगे भी कुछ लेटर मेरे को लगता है इतने से काम चल जाना चाहिए, के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, आर मतलब के की जगह आपने लिखना है स्मॉल आर, एन की जगह यहाँ आप देखोगे तो ये लेटर है उसका कोड ऊपर दे रखा है, एन का कोड दे रखा है, ओ का कोड दे रखा है यहाँ पे, एम डब्ल्यू का कोड दे रखा है यहाँ पे, एच एल का कोड दे रखा है यहाँ पे, सी देखते हैं इतना सा काम चलेगा, आर एफ एम एच सी आर एफ। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन है, राजन इज सन ऑफ रूपाज मदर इन लॉज ओनली सन ऋषि, ठीक है राजन, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बट छोटा सा स्टेटमेंट है, हो जाएगा जल्दी से। राजन बेटा है, किसका बेटा है, रूपाज मदर इन लॉ ओनली सन, रूपा की जो सास है उसका एक ही बेटा है, कि रूपा की सास का एक ही बेटा है, मतलब रूपा का हस्बैंड हो गया और उस बेटे का नाम ऋषि है, तो मतलब रूपा और ऋषि जो है पति पत्नी हो गए, तो ये रूपा हो गया, रूपा हो गई, रूपा हो गई, ओके ये ऋषि हो गया, ये मेल है, ये फीमेल है, आपस में ये क्रॉस है मतलब हस्बैंड वाइफ है, और इनका एक ही बेटा है और उसका नाम है
राजन, ठीक है, तो इनके बेटे का नाम है राजन। क्या कहानी पूछी है? हाउ इज ऋषि रिलेटेड टू राजन, ऋषि कैसे रिलेटेड है राजन के साथ? तो ऋषि का रिश्ता राजन के साथ क्या है? तो ऋषि ऑफ कोर्स डैडी है उसका, तो पिता हो गया फादर। सो नाउ 28th क्वेश्चन। मैंगो ऑरेंज है, ऑरेंज फ्लावर है, और ये लंबी जोड़ी स्टोरी है लास्ट में कहानी का सारी है कि आप ये बताओ रोज क्या है? ठीक है, अब लगेगा रोज तो दिखा कहीं आपको, नहीं रोज नहीं दिखा। सो टेक्निकली इस क्वेश्चन को करना मैं से पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे ऑप्शन में नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखा नहीं है। सो हम कुछ ऐसा अजम्पशन कर लेते हैं जो कि अच्छे रीजनिंग के पेपर में अलाउड नहीं होता, बट उसको करे भी ना यहाँ पे काम नहीं चलने वाला। तो आप ये मान लो कि रोज जो एक फ्लावर है, आप बोलोगे कि रोज फ्लावर मानने में क्या दिक्कत है, बट रीजनिंग में रूल होता है कि आप कुछ भी खुद से सेल्फ एज्यूम नहीं कर सकते ना, बट यहाँ पे ये जो क्वालिटी ऑफ रीजनिंग यहाँ पूछी गई है, सो उसके हिसाब से आपको भी उसी के लेवल पे जाके सॉल्व करना पड़ेगा। तो रोज एक फ्लावर है मान लीजिए, अब फ्लावर क्या है वो आप देखो, यहाँ पे बोला गया है रोज एक फ्लावर है, और फ्लावर क्या है? जो फ्लावर होगा वो आंसर होगा। तो देखो कहाँ पे लिखा गया है, ऑरेंज इज फ्लावर, फ्लावर इज जेलीफिश, तो फ्लावर क्या जेलीफिश है, और अपने को क्या बोलना कि रोज क्या था, फ्लावर था, तो फ्लावर जेलीफिश भी होगी। ठीक है, सो इसका आंसर जेलीफिश माना जाएगा, जहां तक मेरे को लगता है कि JKSSB ने जो बुद्धि लगाई हो यही सोच के आंसर इसका जेलीफिश लेंगे। अब ये आ गया 29 नंबर लेता हूँ। स्टडी द फॉलोइंग फिगर, और आप ये फिगर में कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, आपको बस पूछा गया वो देखो। अकॉर्डिंग टू फिगर विच लेटर रिप्रेजेंट दोज आर्टिस्ट हु आर डॉक्टर एज वेल एज डांसर? डॉक्टर भी होनी चाहिए, डांसर भी होनी चाहिए, साइंटिस्ट होनी चाहिए, तीनों बातें। डॉक्टर डांसर साइंटिस्ट, डॉक्टर गोला, डांसर ये रेक्टेंगल जैसा, साइंटिस्ट ये ट्रायंगल जैसा। ये साइंटिस्ट है, आपको ये डब्बा भी होना चाहिए और गोला भी होना चाहिए। तो गोला भी हो, डब्बा भी हो, ट्रायंगल भी हो, एक ही एरिया है वो एच वाला, सो आंसर विल बी एच। सो इसका आंसर एच रहेगा, बी पार्ट। क्वेश्चन है 30th, ये भी अगेन डायग्राम बेस्ड है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर फिगर, कुछ फिगर दे रखी हैं और कहानी का सारी है कि वन फिगर इज नॉट लाइक द अदर थ्री, एक फिगर कुछ ऐसी है जो कि तीन की जैसी नहीं है, तो आपको वो बताना है कि कौन सी ऐसी फिगर है जो इनमें से डिफरेंट है। सो पहला जो देख के लगता है, टच करता है कि डायरेक्शन के हिसाब से मे भी शायद इनको समझा जा सकता है, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ है, तो ये आ गया। देन क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया तो ये आ गया, फिर इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट करोगे तो नीचे एरो जा सकती है, सो ये नहीं बन सकता डी वाला। आपको समझ आ रही होगी कहानी, देखो आप बस मन की आंख से देखो, पकड़ो इसका किसी भी एक टांग को और इसको घुमाओ, ठीक है, तो आप इसको अगर घुमाते हो क्लॉकवाइज मूवमेंट करने पे तो ये बन सकता है। कितना डिग्री घुमाना है एक्चुअल में इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिग्री के हिसाब से भी नहीं क्वेश्चन है, सिंपली बस घूम के ये आता ही नहीं आता, उससे ही क्वेश्चन बन जाएगा। इसको घुमा करके ये ला सकते हो, ठीक है, हालांकि 180 डिग्री घुमा हुआ है बट उतना नहीं जाना टेक्निकली आपको, तो फिर इसको और घुमाओगे अगर आप तो ये सी बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप कितना भी घुमा लो आप ये नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आप इसको घुमाओगे सी वाले को तो जैसे आप ये करोगे एरो डाउन कर दोगे, और घुमाओगे तो 90 डिग्री और घुमा दिया अपने एरो इधर चली जाएगी, और घुमा दिया तो एरो इधर चली जाएगी, और घुमा दिया एरो इधर चली जाएगी, फिर यही साइकिल घूमता जाएगा। कभी भी कुछ भी क्लॉकवाइज मूवमेंट करने पे आपके पास इस तरह से एरो नहीं बन सकती, इस तरह से एरो लाने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा मतलब अभी तक ये तीन पिक्चर कैसे आ रही है क्लॉकवाइज मूवमेंट से एरो की, और ये आ रही है एंटी क्लॉकवाइज से, तो मतलब ये ऑड होगी इनमें से। डी वाला आंसर डी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31st क्वेश्चन में कौन सा नंबर नेक्स्ट होगा? 85 देन 10, 75 14। सो 85 से नंबर छोटा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है, फिर बड़ा होना चाहिए। एक बार नजर डालें अगर ऑप्शन पे तो 65, 16, 20, 22। सो ये 5 देख करके कुछ टच करना चाहिए कि ये 85 था, ये बड़ा जो हुआ है 10 से कम हुआ है, फिर आगे अब अगेन 75 के बाद अगला जो 14 के बाद नंबर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, बट वो इससे 10 ही कम होना चाहिए, तो 65, थोड़ा सा लॉजिक। और कोई पैटर्न तो नहीं मेरे को फिलहाल टच कर रहा, यही लगता है यही आंसर होना चाहिए 65, ठीक है। क्या
क्योंकि इसमें आप डिफरेंस विफरेंस सब चीजें लगा करके टाइम वेस्ट करोगे तो कोई डिफरेंस भी कोई बन नहीं रहा यहाँ पे, ना कोई मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ सीरीज नहीं फॉलो होती दिख रही। फिर यहाँ भी वही बात है कि नॉट लाइक द अदर थ्री, यही क्वेश्चन का सार है, बाकी स्टोरी पीछे लिखी होगी आप पढ़ लेना। चार फोटो दे रखे हैं, कौन सा फोटो अलग है इनमें से? तो देखो ये डी वाला जो है इसमें मतलब ये एक जो फिगर्स हैं एक दूसरे का लटकी पड़ी है, मतलब ये केवल एक फिगर दूसरी को कट कर रही है, ऐसे नहीं कि तीनों आपस में मिल रही हैं। यहाँ पे भी एक दूसरी को टच करती है और दूसरी वाली इसी को करती है, किसी भी पॉइंट पे तीनों नहीं मिल रही, यहाँ भी किसी पॉइंट पे तीन नहीं मिल रहे हैं और यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये ए वाला ऑड हो गया, क्वाइट इजी ए वाला ऑड है। फिर सिलेक्ट द अल्टरनेट टू विच विल प्लेस द क्वेश्चन मार्क, एनालॉजी बनानी है तो मतलब कंपोजिट के आगे लिखा है 100, 100 जो होता है कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर कौन सा है इनमें से आप बताओ? तो 23 प्राइम नंबर है, सिंपल, सो ये आंसर होगा 23। सो अब देखते हैं 34th क्वेश्चन, सुरेश फेसिंग ईस्ट, सुरेश जो है ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, मैं सुरेश बना लेता हूँ, ये इसकी आंखें इधर देख रहा है ईस्ट में, और एक लाइन से भी इसको बना देता हूँ, मान लो ये सुरेश इधर देख रहा था, अब उसकी टीचर ने उसको बोल आइस को बांध लिया, पढ़ना स्टेटमेंट को, इसका ये मीनिंग है ब्लैक क्लॉथ लिया टीचर ने, टाई किया उसको और उस बोला स्पिन करो 3.5 टाइम, 3.5 टाइम स्पिन करने का मतलब है 3 चक्कर पूरे और एक आधा। अब सोच के देखो आप, एक पूरा चक्कर लगाने का मतलब क्या है कि आप अगर ऐसे इधर देख रहे हो पूरा घूम के और दोबारा इधर ही देखने लगो, तो एक राउंड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के भी सेंस ऑफ, मतलब एक चक्कर पूरा आपने लगा लिया, एक चीज पैर पे खड़े थे पूरे घूम लिए, तो दोबारा वहीं पहुंच जाओगे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो मतलब 3 कंप्लीट राउंड लगाने का तो कुछ मीनिंग ही नहीं बना, आधा राउंड जो लगाना मतलब 180 डिग्री घूमना, ठीक है 180 डिग्री घूमने का मीनिंग है कि हाँ आप ये इधर देख रहा था अब ये इधर देखने लगेगा, तो मतलब एरो से समझाऊं तो मैं इधर बन गया, ठीक है। और आगे क्या बोला है, सुरेश इज देन आस्क्ड टू स्पिन 4.25 टर्न क्लॉकवाइज, पहले भी क्लॉकवाइज ही चला था इधर, 4.25, 4.25 का मतलब हो गया 4 का मैंने बताया कंप्लीट राउंड है उसका मीनिंग नहीं बनता, क्वार्टर मतलब 360 का क्वार्टर मतलब 4 हिस्से करोगे 360 का 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मूवमेंट करना अब इधर से भी आगे, तो इससे आगे 90 डिग्री जाओगे तो कहाँ जाओगे, क्लॉकवाइज ही जाना है तो इधर इस तरह देखने लगोगे, ठीक है। अगेन शी सॉरी ही इज आस्क्ड टू स्पिन 4 another 1.5 टर्न क्लॉकवाइज, ठीक है। अब उसको दोबारा बोला 1.5 बोले तो 1.5, और 1 का मीनिंग होता नहीं मैंने बताया, और हाफ का मीनिंग है, और पोलर सेंस क्या घूमने की एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोबारा ये इसको काम पहुंचा दिया आपने जहाँ पहले था इधर। सो अब 35th क्वेश्चन देखते हैं, अजय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस और कुछ मूवमेंट करता है, वो क्या मूवमेंट हो रही है वो बताते हैं, यहाँ डायग्राम बनाते चलते साथ साथ में। बाइसाइकिल ली उसने एंड साइकिल्स 2 किलोमीटर वेस्ट, सो वेस्ट डायरेक्शन में चलता है 2 किलोमीटर, ईस्ट डायरेक्शन में मतलब एग्जैक्टली 2 किलोमीटर। फिर देन ही टर्न्स लेफ्ट, सो उसका लेफ्ट अभी इस तरफ हो गया, और फर्दर 3 किलोमीटर जाता है डाउनवर्ड, ही देन टर्न्स लेफ्ट अगेन, अगेन लेफ्ट गया और कितना गया एनदर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर गया लेफ्ट से 4 किलोमीटर, इधर 2 पहले चल चुका था तो इससे आगे 2 और शायद, मतलब इसके पैरेलल में आप देखो तो ये 2 होगा, 2 और आगे चला गया। इन विच डायरेक्शन इज अजय फ्रॉम नाउ फ्रॉम हिज हाउस, तो स्टार्ट किया था यहाँ से हाउस से, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, साउथ में है, और साउथ भी कौन सा, ईस्ट डायरेक्शन, और साथ में साउथ भी है, साउथ ही, ये साउथ ही। देन आगे डायग्राम दिया और आपको ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा वो बताना है, तो इसकी एनालॉजी ये दे रखी है, तो इसकी एनालॉजी ये क्या बनेगी वो आपको देखना है, तो ये जो खाली एम्प्टी बॉक्स था वो कहाँ गया, एक वर्टेक्स आगे शिफ्ट हुआ, जो ब्लैक डार्क बॉक्स था वो एक वर्टेक्स पीछे गया, तो डार्क को एक वर्टेक्स पीछे खिसका ना, डार्क ये है एक वर्टेक्स पीछे आएगा कहाँ पे आएगा यहाँ पे, ठीक है, और व्हाइट को एक वर्टेक्स आगे लेके जाना है, तो ये वाइट आएगा यहाँ पे, कौन सा ऐसा डायग्राम है वाइट या और डार्क या, मतलब इस तरह से हो गया ना ये,
अच्छा, तो ये डार्क एक कदम पीछे आ गया, एक वर्टेक्स पीछे, वाइट या एम्प्टी बोलो, एक कदम आगे, ए ऑप्शन करेक्ट। फिर एक्स इज ब्रदर सन, मतलब ब्लड रिलेशन ही आ गया दोबारा से, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, वाई का ब्रदर एक्स है, ये वाई बना लेता हूँ, एक्स ब्रदर है, मतलब कितना कंफर्म है कि एक्स मेल होगा, एक जनरेशन है तो एक लाइन। एंड सन ऑफ जेड, एक्स जो है सन है किसका, जेड का, ठीक है। फिर जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड जो है हस्बैंड है, मतलब जेड भी मेल हो गए, और डब्ल्यू के ये हस्बैंड है, तो मतलब डब्ल्यू जो है वो फीमेल हो गई। यहाँ पढ़ा था हमने, जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू सन ऑफ एम, ओके, एम के जो सन है वो ये सेट है, सन ऑफ एम, जेड जो है सन ऑफ एम है, फाइन। एंड ब्रदर ऑफ एस, जेड जो है वो एस के ब्रदर भी है। तो इस पूरे ट्री में आपको ये बताना कि डॉटर इन लॉ कौन है। डॉटर इन लॉ मतलब बेटे की वाइफ है ना, ये बेटे किसी के बेटे की वाइफ को, जैसे मान लो एम है, जैसे यहाँ पे एम का बेटा ये हो गया, सो इसकी बहू कौन है, डब्ल्यू है, तो इस पूरे फैमिली ट्री में एक ही बहू है, वो डब्ल्यू है, तो यही पूछा कि बहू कौन है, डॉटर इन लॉ कौन है, डॉटर इन लॉ डब्ल्यू है, सी ऑप्शन। नंबर विच शुड कम नेक्स्ट इन सीरीज, 10, 11, 24, 75, अगला नंबर क्या आएगा सीरीज में, तो ये देखो, ये तो 10 से 11 कैसे आता है, और फिर 24 में आना चाहिए, फिर मतलब अच्छा खासा जंप हो रहा है, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन सीरीज है कहीं, 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 आता है, बस +1 करना है तो 11 आ जाएगा, फिर 11 में से 24 लाना है तो 11 इंटू 2 करोगे, +2 करोगे तो 24 ही आ जाएगा, फिर 24 इंटू 3 +3 करोगे तो 75, उसी तरह से अगला नंबर चाहिए तो 75 इंटू 4 +4, 75 इंटू 4 होता है 300, 300 में 4 ऐड करोगे तो 304, ये ऑप्शन। यहाँ पे डायग्राम दिया और आपको अगेन क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बताओ क्या आएगा, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो तीर है इस तरह से दे रखे, मैं बाकी स्टार नहीं बनाता, बस एरोस बनाता हूँ, ये जो डायग्राम घूम रही है वो पहले स्टेप में ऐसे, अगले स्टेप में ये जो एरो है यहाँ से घूम के यहाँ चला है, अब ये एरो यहाँ से गायब हो गया, और ये एरो यहाँ चला है स्टेप टू में, स्टेप वन में कहाँ था ये एरो, ऐसे था ऊपर, ये वन था, टू में यहाँ चला है, थ्री में देखो यहाँ चला है, ठीक है, मतलब थ्री में चला है एरो यहाँ पे, तो फोर में कहाँ जाएगा, फोर्थ यहाँ पे जाएगा, तो फोर्थ कैसे बनेगी यहाँ पे एरो, ऐसा डायग्राम क्या है ये सी वाला, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड सर्टेन कोड लैंग्वेज है, और उसकी आपको ये मैं इरेज करता हूँ, क्वेश्चन में बोला है कोड लैंग्वेज कोडिंग के ऊपर ये क्वेश्चन है, हॉट फिल्टर्ड कॉफी, हॉट फिल्टर्ड कॉफी के लिए कोड है 123, फाइन। फिर बोला गया है वेरी हॉट डे, वेरी हॉट डे, इसका कोड है 356, ठीक है। फिर एक और स्टेटमेंट है डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, इसका कोड है 589। पूछा गया कोड फॉर वेरी, वेरी वेरी के लिए कोड क्या है, फाइन। देन देखो आप यहाँ भी 3 दिख रहा है आपको, यहाँ भी 3 दिख रहा है, और इन दोनों में कॉमन क्या एच है, मतलब एच वाला नंबर है उसके लिए जो कोड है, अपने को वेरी का कोड चाहिए, मतलब ये वी वाला कोड चाहिए, ठीक है, तो एच के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, तो एच का मतलब हो गया 3। फिर देखो यहाँ पे कुछ कॉमन, 3 2 3 2 3 2 5, 5 कॉमन, सो 5 कॉमन है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये 5 है यहाँ भी और नीचे भी यहाँ भी, तो और डिजिट में कॉमन डी है, डी का मतलब यहाँ पे 5 हो गया, अब क्या रहेगा यहाँ पे, 3 का मतलब एच, डी का मतलब 5, तो वी का मतलब क्या 6, तो वेरी मतलब 6, वेरी बोल रहा हूँ, वेरी,
के वेरी फाइंस, वेरी गुड हो गया ये तो, बाकी कहानी समझ आपको। सो ये एक क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ा है, जो मैं बोल रहा था ब्लड रिलेशन का, लंबी जोड़ी सी मेरी तीन चार लाइन है। सो पी स्टार क्यू मीन्स पीस मदर ऑफ क्यू, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था 24th प्रलंब की सतह। आप करते हैं इसको तसल्ली से। पी स्टार क्यू का मतलब है पी जो है मदर है क्यू की, उन्होंने स्टार वार छोड़ा, बस डायग्राम बनाते हैं पी यहाँ पे और पीस मदर ऑफ क्यू, पी मदर है क्यू की, तो मतलब ये जनरेशन नीचे आएगी क्यू वाली, क्योंकि पी मदर है तो मैं स्मॉल एम लिख लेता हूँ या फिर स्मॉल एफ लिख लेता हूँ, ठीक है, मदर की जगह फीमेल लिख लेता हूँ जेंडर के लिए, फीमेल, पी फीमेल है और क्यू की ये मदर है। अब क्यू कौन है अभी तक पता नहीं चला, बट ये श्योर है कि क्योंकि मदर पी है तो इसलिए ये फीमेल जरूर होंगी। एक्चुअल में ये जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है, ये ऐसा नहीं है जैसे हम सोचते हैं, कोई एक डिजाइन मतलब कोई जनरेशन ट्री नहीं दिया हुआ, ये इन्होंने सिंबल को समझा रखा है, तो अपने को स्टार भी लेना पड़ेगा बीच में, पी स्टार क्यू, तो स्टार का मीनिंग ये हो गया ये जनरेशन गैप है। दूसरा सिंबल इन्होंने लिया यहाँ पे माइनस है बीच में, हाँ पी माइनस क्यू, इसका मीनिंग क्या बताया, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, ब्रदर ऑफ क्यू, पी ब्रदर मीन यहाँ पे मेल, ठीक है, और ब्रदर बोले तो एक ही जनरेशन, ठीक है, तो ये किसका से मीनिंग हो गया माइनस का, ठीक। पी प्लस क्यू मीन्स पी सिस्टर ऑफ क्यू, अगर प्लस का सिंबल हो गया तो भी एक ही जनरेशन है, बस यहाँ पे ए सिस्टर बन जाएगी, मतलब ये फीमेल होगी उस टाइम पे, पर जनरेशन सेम रहेगी। फिर पी एम पर नहीं परसेंटेज, पी परसेंट क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, अगर पी फादर है तो मतलब पी ऊपर और ये मेल, ठीक है, मेल और ये परसेंटेज का साइन, स्टेटमेंट लिखी है उससे आपको ट्री बनाना है, और फिर ओ का रिलेशन क्या है एल के साथ, हाउ इज एल रिलेटेड टू ओ, एल का रिलेशन क्या है ओ के साथ वो बताना, ओ परसेंट आर माइनस एम स्टार एल, एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं कि यही लिखा है, ओ परसेंट आर माइनस एम स्टार एम, ओ परसेंट आर माइनस एम स्टार एल, ओके, अब बनाओ ट्री इसका, ओ के साथ परसेंट का साइन लग गया, परसेंट का मीनिंग अभी हमने देखा जनरेशन गैप, ओ फादर होगा क्योंकि ये एम बोले तो मेल है, परसेंटेज में जब ओ पहले आएगा तो मेल कहलाएगा, और ये किसका फादर हो गया, अगला जो आर रहेगा उसका, फाइन। माइनस का सिंबल है, माइनस मतलब एक ही जनरेशन है एम और आर की, सेम लेवल पे आएंगे एम और आर, और उस टाइम पे माइनस वाले टाइम पे आर भी क्या होगा मेल। अब स्टार है तो एल के साथ रिलेशन बताना है, स्टार है तो स्टार की जर लिखा हमने ये, तो स्टार है मतलब ये जनरेशन चेंज होगी, एम और एल की जनरेशन अलग अलग है, और एम स्टार क्यू, एम ऊपर स्टार नीचे ये क्यू की जगह यहाँ पे एल दे रखा है, तो यहाँ पे ये स्टार वाले केस में ये फीमेल बनता है, तो ये फीमेल होगी एम, और एल क्या होगा वो पता नहीं, तो अब किसका किसके साथ रिलेशन, हाउ इज एल रिलेटेड टू ओ, एल कैसे रिलेटेड है ओ के साथ, तो देखो जो भी है मतलब इतनी तो कहानी समझ आती है कि तीसरी जनरेशन चल पड़ी तो ग्रैंड वर्ड जरूर आएगा, अभी ग्रैंड वर्ड एक ही जगह पे दिया है तो, और वैसे भी ये जेंडर डिफाइन नहीं है, तो ग्रैंड सन या डॉटर बोलने से अच्छा ग्रैंड चाइल्ड बोल सकते हैं, तो ये आंसर करेक्ट है, फाइन, कुछ छोड़ा तो नहीं हमने अब, ओके, सो सारी स्लाइड्स हमने कवर कर ली हैं, अभी आप कमेंट सेक्शन में बताना कितना कितना आपने करेक्ट किया, और अगर आपको लगे कि मैंने कहीं एरर कर दिया कमेंट करके बताना, और स्कोर अपना जरूर बता देना, पेपर इजी था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, कैसा था वो भी बताना, थैंक यू, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।